वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ये टेप पोजीशन इंडिकेटर के सर्किट को कि जब हम जो है ओएलटीसी से जब हम टेप पोजीशन चेंज करते हैं तो कंट्रोल रूम में लगे जो टेप पोजीशन इंडिकेटर है वो कैसे चेंज होता है, उसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है, पीछे क्या सर्किट काम करता है कि जब ये ओएलटीसी में लगा टेप टू पोजीशन इंडिकेटर चेंज होता है तो सेम टाइम जो है कंट्रोल रूम में लगा टेप पोजीशन इंडिकेटर भी अपनी पोजीशन चेंज करता है। इसके पीछे जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको हम समझेंगे। इसी तरह जब हम ये ट्रांसफार्मर पे खड़े जो है एमआर जो है टेप चेंजर का जो क्यूबिकल है वहाँ से हम जब चेंज करते हैं तो देखें टेप पोजीशन जो है वो चेंज होती है। इसी तरह मैं वापस लेके आता हूँ। तो ये पीछे इसके क्या प्रिंसिपल है कि जो हम यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं तो रिमोट कंट्रोल में भी ये जो वहाँ इंडिकेटर लगा हुआ है टेप पोजीशन इंडिकेटर तो वहाँ पे भी टेप पोजीशन चेंज होती है। तो इस सर्किट को हम समझने की कोशिश करेंगे ये किस तरह काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है। ये ओएलटीसी में जो लगा हुआ टेप पोजीशन इंडिकेटर होता है वो है, इसको हम जो है ट्रांसमीटर कहेंगे। और जो ये जो आरटीसीसी में लगा होता है टेप पोजीशन इंडिकेटर ये जो है रिसीवर कहलाएगा हमारा। ये एक बेसिकली इंडक्शन मोटर की जितना कंस्ट्रक्शन है इसकी, मगर इसमें जो है म्यूचुअल इंडक्शन की तरह काम होता है। जैसा कि ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होती है, मगर उसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वहाँ एक रोटेटिंग डिवाइस नहीं होती, जबकि जो है मोटर इसमें जो है ये मोटर है इसमें जो है एक रोटर लगा हुआ है। इसमें तीन वाइंडिंग्स हैं और तीनों को ही जो है स्टार में इस तरह जो है यहाँ देखें यहाँ जोड़ा हुआ है। इस मोटर में जो वाइंडिंग है उनका 120 जो है एंगल का डिस्प्लेसमेंट है, मान S2 का S1 से 120 का है और S1 का S3 से 120 का है। अगर S3 को S2 से लें तो ये 240 का एंगल बनता है। और जैसे ही हम इस रूटर्स को AC सप्लाई देंगे तो ये जो रूटर है ये S2 के साथ अलाइन है, तो जो है इसके साथ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। ये दोनों पेयर बने हुए, इनको हमने पेयर बनाया हुआ है। इसमें हमने जो S2 है वाइंडिंग जो है उसको ये ट्रांसमीटर का जो है S2 वाइंडिंग है इसको रिसीवर के जो है S2 वाइंडिंग से हमने जोड़ा हुआ है, और इस तरह S1 को हमने जो है S1 से जोड़ा हुआ है रिसीवर के, और S3 को जो है S3 से इसको हमने जोड़ा हुआ है, और हमने जो है इसके रूटर्स को जो है दोनों ट्रांसमीटर और जो रिसीवर के दोनों रूटर को सेम हमने AC सप्लाई दी हुई है। एक सेल्सन मोटर है या हम इसको सिंक्रो मोटर भी कह सकते हैं। इस सेल्सन मोटर के थ्रू हम जो है किसी दूसरी मोटर या जो रोटेटिंग डिवाइस या उसके रूटर को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि ये जो ओएलटीसी में लगा हुआ जो है ट्रांसमीटर है जिसे हम सेल्सन मोटर भी कह रहे हैं, इसके थ्रू जो है कंट्रोल रूम में जो लगा हुआ टेप पोजीशन इंडिकेटर की जो मोटर है सेल्सन मोटर है उसको हमने कंट्रोल करना है। तो इस रूटर के चेंज होने से जो है ये सेल्सन मोटर जो ओएलटीसी में लगी हुई है मोटर उसका जो रूटर जब चेंज होगा तो इसका भी रूटर जो है ऑटोमेटिकली चेंज होगा, और जो है आप जो है टेप पोजीशन का जो इंडिकेटर है उस पे आपको टेप चेंज होती नज़र आएगी। हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, S2 को S2 से और S1 को S1 से और S3 को S3 से। जब हम जो है इसको रूटर को इसको AC सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेटिकली लॉक हो जाएगा। जब हम जो है इसकी मेन ट्रांसफार्मर की टेप चेंज करते हैं तो उसके साथ एक मैकेनिकली एक ये करारियां सी होती हैं, ये कनेक्ट इस तरह होती हैं,
तो ये मैं एक रूटर जो है मैं ये बाहर निकाल के आपको इसको दिखाने के लिए के लेके आया हूँ कि ये जो गरारी टेप पोजीशन मेन चेंज हो रही है, तो ये गरारी जो है घूम रही है और ये इस गरारी के साथ जो है कनेक्ट है, बटन जो है घूमती है तो उसके साथ ये भी गरारी के साथ घूमती है। तो ये रूटर जो है इसका उस हिसाब से उस डायरेक्शन में घूमेगा। तो यहाँ देखें, अब जब ये जो रूटर है वो 30 डिग्री जो है ये चेंज होता है अपनी पोजीशन से, पहले ज़ीरो पे था तो 30 डिग्री पे चेंज हुआ, तो यहाँ एंगुलर डिफरेंस आया। इस एंगुलर डिफरेंस की बिना पे यहाँ पे भी चेंजिंग आएगी और ये रूटर भी जो रिसीवर जो सेल्सन मोटर है या रिसीवर है उसका भी जो टेप पोजीशन इंडिकेटर का जो टेप का जो इंडिकेटर है वो भी इसी तरह चेंज होता जाएगा। मैंने एक इसकी वीडियो बनाई हुई है, फिजिकली आप इसमें देखें, मैं अभी जो आप दिखाने लगा हूँ आपको। इस वीडियो में देखा है कि ये जो इस तरह जो सिंबल बना हुआ है मोटर है, छोटी सी इस तरह मोटर है और उसके साथ एक गरारी सी लगी हुई है, तो उसमें ये मेन पोजीशन जब चेंज कर रहा है जो मैकेनिज्म जो भी चेंज कर रहा है उससे जो है इस सेल्सन मोटर का जो रूटर है वो चेंज हो रहा है और तब उसमें पोजीशन में चेंजिंग आ रही है और उससे जो है कंट्रोल रूम में लगा जो टेप पोजीशन इंडिकेटर है उसके भी जो है इंडिकेटर पर भी चेंजिंग आ रही है। तो फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला, आपके कोई नॉलेज में इजाफा हुआ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।